हे व्हाट्स अप पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और जैसे कि आप सब लोग बहुत देर से मुझे बोल रहे थे कि माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आती है आप सबको, तो उसके लिए आज एक सोल्यूशन लाया हूँ मैं। मैंने थोड़े दिन पहले एप्पल से ऑर्डर किया था, एक वायर थी वो मेरे माइक के लिए थी जो मेरे पास बहुत देर का पड़ा हुआ था JBL का, बट आई वॉजंट यूजिंग इट बिकॉज मेरे आईफोन में वो लगता नहीं था। और वो एक केबल छोटी सी ऑर्डर की है तो उसको मैंने सैनिटाइज होने के लिए सैनिटाइज़ किया है। बॉटल तो चलो छोड़ दी, नीचे छोड़ दी है, तो सैनिटाइज़ किया है उसे। और अब उसको मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया धूप में रखे हुए, यहाँ आप दिखा देता हूँ। यहाँ 1-1.5 घंटे से ये धूप में था और अब जाके इसको अनबॉक्स करेंगे हम। ओके, सो ये अभी मैंने ट्राईपॉड की जगह नीचे बुक्स रख के थोड़ा अरेंज कर दिया वो सिस्टम इसका, और अभी हम इसको खोलेंगे। ऐसा होता है ना वैसे भी, जब भी तुम कोई नई चीज़ खरीदते हो तो यू गेट रियली हैप्पी, चाहे छोटी सी हो। मतलब मेरे को तो ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा मज़ा आता है, आपका पता नहीं। अगर आपको भी आता है तो नीचे कमेंट करो और बताओ। ऐसे पेड़ पे नहीं उगते के, सॉरी, घर बैठ के सब कुछ हो जाता है। सो दिस इज़ द लिटल थिंग, सॉरी, सो दिस इज़ द लिटल थिंग। ये केबल अडेप्टर, क्या बोलते हैं इसको, लाइटनिंग टू हेडफोन जैक अडेप्टर, जिसकी वजह से हमारा आगे काम होगा। और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये उर्दू वगैरह में इधर लिखा हुआ है, कि तो मैंने एप्पल की ऑफिशियल साइट से ही ऑर्डर है, होगा तो उनका ही, नहीं तो वापस देंगे। नहीं ऐसे ठीक है, ओके। ओ भाई, सॉरी टू से दिस, मैं लोकल ऑर्डर कर सकता था बट मेरे को उसका पता नहीं था, क्योंकि अब लिया है फ़ोन तो फिर ठीक है, ऐसे लोकल चीज़ें लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। बट देख रहे हो कैसे लूटते हैं एप्पल वाले, मतलब ये छोटी सी इतनी सी चीज़ है, इतनी सी, और इसका कितना, गेस करो प्राइस कितना होगा। 900 रुपये लिया है इस चीज़ का, ये मतलब 300 रुपये की बाकी कंपनीज दे रही थी, बट वही बात है फिर डुप्लीकेट ही हो या नहीं, फिर कुछ प्रॉब्लम आनी। एप्पल वाले बोले सर आपने कहीं और से ख़रीदा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये वो 900 रुपये की ये चीज़ दी है। लिमिट सी कि वो दूसरा मेरे पास कुछ पड़ा था, एक मिनट में। और जिस माइक की बात कर रहा था, ये वाला माइक था JBL का, जैसे JBL कमर्शियल बाय हरमन CSL M20V। तो ये मैंने मंगाया था, ये मैंने देखा था, उस वक्त ऑफ पर चला था, मतलब दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली, और मैंने द ऑनलाइन चैनल पर भी इसका रिव्यू वगैरह देखा था, तो ठीक है। उस वक्त मेरे को 900 something का पड़ा था, तो ठीक है 900 में। और ऐसा बड़ा बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप माइक ऐसे गले में लगा लो, तो वैसा भी सेटअप करके एक बार ही देखता हूँ कैसे, फिर उसके बाद करते हैं। तो मैंने अपना माइक लगा लिया हुआ है, माउंट कर लिया हुआ है, तो देखते हैं। अगर आपको इस पे डिफरेंस कुछ भी पता चल रहा है तो नीचे एक थम्स अप दे देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय वॉइस क्वालिटी बिकॉज ऑफ दिस माइक। जो पीछे मैंने वीडियो दिखाई थी तो वो इसी से शूट हुई थी, और मैंने जब बाद में जाके मतलब अपने फ़ोन में सुनी ना वो वीडियो, उसकी आवाज़, भाई साहब मतलब मेरे को वॉइस सुन के पता ही नहीं चला कि सही में इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आई थिंक ये मेरा गो टू माइक बन जाएगा जगह जगह जाने के लिए। आई ऑल्सो हैव अ बोया माइक, और वो भी इसमें यूज़ कर सकता हूँ, बट उसका ट्राईपॉड सेटअप वगैरह वो अलग हो जाएगा। तो ये मेरा गो टू हो जाएगा कि हाँ मैं कैम फ़ोन लेके जा कवर कर सकता हूँ, इवन आई कैन इंटरव्यू सम पीपल ऑल्सो, यार इससे आराम से हो जाएगा। तो आई थिंक इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि दिस वॉज ओनली फॉर यू गाइज टू नो कि हाँ मैंने माइक ख़रीद लिया है। और हाँ, अगर आप इसका अच्छा रिव्यू, इस माइक का रिव्यू प्लस जो मैंने आईफोन की केबल ली है, एप्पल के रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट, या मेरा फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 11 आफ्टर मतलब अब तो लिए 1.5 साल हो गया है, इफ़ यू स्टिल वांट कि कोई रिव्यू टाइप वीडियो हाउ आईफोन इज़ आफ्टर 1.5 ईयर्स, तो आई कैन ऑल्सो मेक दैट। जस्ट लीव द कमेंट एंड आई विल सी यू गाइज सून बैक विद अनदर व्लॉग।